तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड पेपर के लिए हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग 2024 में देने वाले हैं, क्या यूपी बोर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, जिसे देखिए, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई, यशपाल। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रानी नागफनी कहानी के लेखक कौन है? तो आप बता देंगे हरिशंकर परसाई है। कौन है डियर स्टूडेंट? हरिशंकर परसाई है, और आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? आप लोग बताइए, तपोभूमि किस विधा की रचना? कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, निबंध विधा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका तपोभूमि है वो आपका उपन्यास विधा। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है, खा ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। और आप लोग तपोभूमि के लेखक का नाम बताइए, आप लोग तपोभूमि के क्या तपोभूमि के लेखक का नाम बताइए, अगर आप लोग को आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग, यहाँ पर देखिए, राग दरबारी की रचना विधा है, नाटक विधा है, कहानी विधा है, निबंध विधा है, इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या बताएंगे, जो राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो इसमें से आप बता देंगे, देखिए, जो आपका राग दरबारी है वो आपका उपन्यास विधा है। कौन सी विधा डियर स्टूडेंट? उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है, यानी कि इसमें देखिए नाटक दिया है, कहानी दिया है, निबंध, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आप क्या बताएंगे, राग दरबारी आपका उपन्यास विधा है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए, इसको ध्यान रखिएगा अगर आप लोग 2024 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? एकांकी विधा है, कहानी विधा है, नाटक है, उपन्यास है? अब बता दीजिए आप लोग, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बता देंगे, जो आपका अजात शत्रु है नाटक विधा है, और आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में आपके बोर्ड में क्या 2024 में पूछे जाने वाला 100% क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु का लेखक का नाम कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? चलिए बता दीजिए आप लोग, श्याम सुंदर दास, राजकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। जो भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तब बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इसको तैयार कर लीजिएगा, भारत दुर्दशा को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? अब बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद है, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो आप क्या बता देंगे, जो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी है, का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर 2024 बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए सातवां क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। अब बता दीजिए, देखिए डियर स्टूडेंट, अभी जस्ट जो आपका एग्जाम हुआ है 2023 में, ये आपका क्वेश्चन पूछा था, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो आप बताइए कौन है, मोहन राकेश है कि मुंशी प्रेमचंद है कि जयशंकर प्रसाद है कि महादेवी वर्मा है? तो आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो आप बता देंगे मोहन राकेश है। कौन है डियर स्टूडेंट? मोहन राकेशन। अगर आपके लहरों के राजहंस की विधा पूछेगी, क्या पूछेगी? विधा। तो आप क्या बताएंगे, कौन सी विधा है? तो नाटक विधा है। कौन सी विधा डियर स्टूडेंट? नाटक विधा है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 2023 में ही जस्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है, और 2024 में आने का 100% चांस है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड आ जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, महादेव वर्मा हैं। तो बताइए जो भोर का तारा है उसके रचनाकार कौन है? आप बताएंगे किसका हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का है भोर का तारा। अगला क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट। तो आप क्या बताएंगे, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दसवां, अतीत के चलचित्र
के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, उपेंद्रनाथ है, प्रेमचंद है। देखिए जो अतीत के चलचित्र के लेखक हैं वो आपके महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं अतीत के चलचित्र के लेखक। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिएगा, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है कि कहानी है, नाटक है, कांकी है? तो आप क्या बता देंगे ग्राम का, तो आप बता देंगे क्या भूलू क्या याद करूं, ये आपका आत्मकथा विधा की रचना है। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा की रचना है। और आपके बोर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या भूलू क्या याद करूं इसके लेखक कौन है? आप लोग इनके लेखक का कमेंट करिएगा नाम, अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आप क्या बता देंगे, जो भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? तो आप बता देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम रचना की विधा है साहित्य, यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, आत्मकथा, संस्मरण? तो आप क्या बता देंगे, आप जो रॉबर्ट नर्सिंग होम है वो आपकी कौन सी विधा है? रिपोर्टाज विधा है, और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका, देखिए 14वां क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद? तो बताइए जो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप बता देंगे भारतेंदु हरिश्चंद जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद जी हैं। और आपके आपके बोर्ड पेपर में पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15वां है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा? तो बताइए जो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप बता देंगे डियर स्टूडेंट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेती के फूल क्या हो जाएगा? रेती के फूल के रचनाकार का नाम बताइए, रेती के फूल के रचनाकार कौन है? फटाफट बताइए अगर आप लोगों को इसका आंसर आ रहा है तो। जयप्रकाश भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं? तो जो रेती के फूल के रचनाकार हैं डियर स्टूडेंट आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन, ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत सरल उपाध्याय हैं, इला चंद्र जोशी हैं, जयप्रकाश भारती हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं? तो बताइए जो ठूठा आम के रचनाकार कौन है? तो आप बता देंगे भगवत सरल उपाध्याय जी हैं, का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय की पुकार के रचनाकार का नाम है जयप्रकाश भारती, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, रामकुमार वर्मा? हिमालय की पुकार के रचनाकार कौन है? तो आप किसको बताएंगे डियर स्टूडेंट? आप बता देंगे जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं, का ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं, विनय मोहन शर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं? जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आप बता देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए अगर आप लोग को इसका आंसर आ रहा है तो। आप क्या बताएंगे, जो आपका आवारा मसीहा का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर है, इसको ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा का लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने आज के इस वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन को हल किया है, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि डियर स्टूडेंट इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड पेपर में 90+ टारगेट का आप नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड पेपर में। तो डियर स्टूडेंट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।